नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मठाधीश माफिया औरंगजेब। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। मंगेश यादव के एनकाउंटर से शुरू हुई बयानबाजी अब औरंगजेब तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, चाहो तो डिक्शनरी उठाकर देख लो। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद साधु संतों तक में नाराजगी देखी गई। बाद में अखिलेश ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी संत महंत या सन्यासी पर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि मुख्यमंत्री को मठाधीश कहा था। अखिलेश ने यह भी कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता है, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि मेरी तस्वीर देख लो और योगी की तस्वीर देख लो, फिर माफिया कौन लगेगा। अखिलेश की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस दल में हैं। अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा, माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारतीय संत परंपरा को माफिया बता रहा है, ये उनके संस्कार हैं। इससे पहले गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। योगी ने यह भी कहा कि 10 साल पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब पूरे प्रदेश में अराजकता थी, महिलाएं असुरक्षित थीं और गुंडा टैक्स लेने वालों के सामने सरकार में बैठे लोग नतमस्तक होते थे, उद्योगपति पलायन कर रहे थे, लेकिन अब गुंडों में दहशत है और महिलाएं साथ ही कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी ने 10 माफिया की सूची मांगने पर अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बताया। बयानों का ये सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन बयानों के बीच मठाधीश और माफिया जैसे शब्द विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। चेहरे की तुलना भी राजनीतिक लड़ाई का नया हथियार है। क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब चेहरे, मोहरे और मठाधीश की पदवी तक पहुंच गई है? अभी तक बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे अखिलेश यादव अचानक चेहरे की तुलना क्यों करने लगे हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनवा देते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई। भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। मठाधीश तो बयानबाजियों का ये दौर किस स्तर तक पहुंच चुका है वो आपने सुना। मठाधीश, माफिया और साथी औरंगजेब के साथ साथ चेहरे की तुलना भी होने लगी है। क्या जब मठाधीश और माफिया वाली बात अखिलेश जी ने कही, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका मुख्यमंत्री और मठाधीश की तुलना करना वो बता रहे थे, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और इसी बीच ये जो बयानबाजियों का दौर है, इधर से एक वार तो उधर से कई सारे बाण। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति का स्तर इस लेवल तक जा रहा है कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत वार हो रहे हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत अश्विनी जी। मलिक जावेद अंसारी साहब बहुत स्वागत करते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। अशोक तिवारी जी प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत सर। नीरज साहब आपसे ही शुरुआत, बयान आप सुन चुके हैं किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, मठाधीश माफिया और उसके बाद चेहरे की भी तुलना और फिर औरंगजेब की भी एंट्री हो जाती है, भस्मासुर की भी एंट्री हो जाती है। उपचुनाव में ये सब करने की आवश्यकता है या ये लग रहा है कि जो हासिल किया लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा या उपचुनाव तक आते आते कुछ और करना पड़ेगा तब वोट मिलेगा? देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी केवल इसलिए इस तरह की बात कर रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अभी लोकसभा में जैसे उनके पास एक मुद्दा मिल गया था कि संविधान बचाने वाला,
वो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे उपचुनाव में नहीं चलेंगे, इसलिए वो मुद्दे की तलाश कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है। सरकार भी ये चाहती है कि हम इसी इन्हीं बयानों में रहें और जनता के मुद्दे न उठाने पड़े, न कोई जनता की बात करनी पड़े। सरकार महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब चीजों से बिल्कुल मुद्दों से दूर जा रही। हिंदू मुसलमान जो स्थिति बिल्कुल लोकसभा चुनाव में थी, वही स्थिति के मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा था, जनता की बात कोई नहीं कर रहा था। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में कहीं मैंने तो नहीं देखा कि 10 जगह भी ऐसी रैलियां रही हो भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो की चर्चा की हो, ना कोई घोषणा पत्र की कहीं चर्चा नहीं, केवल इन्हीं पे मछली, मटन, मंगलसूत्र, इन चुनाव लड़ा गया। तो जनता के मुद्दों से जब नहीं आप जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी निश्चित रूप से। तो सरकार भी चाहती है कि इस तरह के मुद्दों में ही उलझे रहे लोग और वहां ना जा पाए कि हमें कुछ बताना पड़ा कि क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस फिराक में कि आप गलती करो और हम वो मुद्दा पकड़े और मैदान में कूद जाए, तो निश्चित रूप से, और चूंकि दोनों ही दलों के लिए चिंता की विषय बन रही है मायावती जी, मायावती जी की भी एंट्री हो रही है, वो भी आ रही है। तो ये मुद्दों की बात अगर जनता की नहीं करेंगे, जनता के मन की बात और नब्ज नहीं पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता इनको उपचुनाव में नकार देगी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। लेकिन मुख्यमंत्री की मठाधीश की माफिया से तुलना करना और उसके बाद बैकफुट पर आना, ये कहकर अखिलेश जी फंस गए लगता है संत महात्माओं में और खासतौर पर सनातन के लोगों में भी, क्योंकि मठाधीश की पदवी है उनके पास, मुख्यमंत्री तो है ही वो, ये नाराजगी भी देखी गई है नीरज जी? नहीं, बिल्कुल, संत इस समय एक लामबंद हो गए हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनके सुर खुल के सड़कों पे आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों में फंसती जा रही है और ये मुद्दा अगर तूल पकड़ता है तो निश्चित रूप से संतों की जो वो है क्या नाम विरोध, वो खुल समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि इसमें भी कोई ना कोई चाल चली गई होगी, निश्चित रूप से उसको अपनी तरीके से उन्होंने खेला है ये दाव। ऐसा नहीं है अखिलेश यादव कोई राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं। आप देखिए कि अगर दाव चला है तो वो क्या सोचकर चला है, ये अब अशोक जी से पूछ लेती हूँ। अशोक जी, अगर ये दाव है तो क्या सोचकर चला, कौन सा मिरर है उनके पास, कौन सा वो शीशा चमचमाता आईना है उनके पास जिसमें वो कह रहे हैं मुझे देख लो, अखिल योगी जी को देख लो, माफिया कौन देखता है, कौन सा आप लोग के पास वो मिरर है, शीशा है जिससे आप लोग पता कर लेते हैं? देखिए, जन भावनाएं ही हमारी मिरर है, जन भावनाएं ही हमारी शीशा है। आप जैसे भी पूछ रही हैं, आप सवाल कर रही हैं, सवाल करने का आपको अधिकार है, आप सवाल कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, शालीनता से जवाब दे रहा हूँ, बहुत विनम्रता से जवाब दे रहा हूँ। माननीय अखिलेश जी का चरित्र बेदाग है और माननीय योगी जी का चरित्र ऐसा है कि वो एक छवि बना के छवि थी उनकी एक तरह से, और वो छवि का उन्होंने सारे के सारे अपने रिकॉर्ड जो है वो साफ करने के लिए सारे मुकदमे वापस लिए हैं। ये किसी छिपा नहीं है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने सारे मुकदमे जो कि गंभीर अपराध के मुकदमे भी थे उनके ऊपर, उसको उन्होंने वापस लिए हैं। तो ये चरित्र आईने की तरह से जनता में साफ है। और माननीय अखिलेश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, शालीन चेहरा, एक तरह से एकेडमिक चेहरा, और एक तरफ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, एक तरफ ऐसा चेहरा, तो चेहरे तो है ही है, चेहरे का खेल तो है ही है। और चेहरा कौन सा कैसा चेहरा है ये जनता डिसाइड करती है, ना हम करते हैं ना आप करते हैं। जी, अगर बात यहीं तक होती तो बात कुछ और होती, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और मेरे दर्शक भी सुन चुके हैं क्योंकि वो बयान हमारे पास हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अशोक जी। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, शाही जी, औरंगजेब की एंट्री हो जाना, फिर उसके बाद भस्मासुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, और फिर अशोक जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जो क्राइम थे या उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उनको वापस लिया है, इसलिए वो माफिया मठाधीश कह रहे हैं, इस तरह की जो टिप्पणी अखिलेश जी कह रहे हैं वो उनको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पारुल जी, अशोक जी एक सीजेंड व्यक्ति हैं और इन्होंने, चूंकि अखिलेश जी ने रायता फैला दिया है तो उसको ये समेट नहीं पा रहे हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश में ये साधु संतों के खिलाफ रहे हैं, शंकराचार्य जी को काशी में लाठियों से पिटवाने का इतिहास रहा है इन लोगों का, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का इतिहास रहा है, तो अब मठाधीश जरूर कहेंगे, क्योंकि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। हमने अयोध्या में आज एक बृहद जो है विकास का काम किया है, ये सैफई में नृत्य करवाते थे, अंतर इतना है। कष्ट अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में
ये लोग जाति के रूप में एक, जैसे कि अभी नीरज जी ने कहा ना कि ये लोग खोज रहे हैं कि किस तरीके से हम कहां मुद्दा पाएं, मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो जातियों में खेलने का काम कर रहे हैं, माचिस का और केरोसिन का वो तेल लेकर जातियों में बांटो, किस तरीके से करो। और औरंगजेब की जो बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्पष्ट है मुगलों का इतिहास देखिए, अपने पिता को गद्दी से हटाकर सत्ता पाई है और वही काम इन्होंने किया है कि इन्होंने अपने पिता को सत्ता पाते ही गद्दी से हटाया। यहां पर आज जो अशोक जी ने कहा कि जनता ने बताया, जनता ने दोबारा 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहा और देख रहे हैं। हमने एक बीमारू राज्य को बेहतर राज्य बनाया, आज जनता हमारे साथ है, आप लोगों को वही नहीं मिल रहा। क्या जब से शाही जी, जी अखिलेश जी तो पहले भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम व्यक्तिगत नहीं होते थे, अब वो भी डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, वॉर टू वॉर फेस टू फेस चल रहा है, ये क्यों? पारुल जी, कब तक आदमी गाली सुनेगा? आज जेपी नड्डा साहब ने एक पत्र लिखा है फड़गे साहब को, पत्र बड़ा चर्चित हो रहा है, उसमें उन गालियों का जिक्र है जो माननीय मोदी जी को दी गई हैं, तो क्यों ना हम दें गाली। देखिए अब अस्तर अगर कोई गिराएगा तो अस्तर गिराना पड़ेगा, गाली से गाली का जवाब मिलेगा, ऐसा होगा पॉलिटिक्स में? मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष यही चाह रहा है तो करना पड़ेगा। वैचारिक लड़ाई को, व्यक्तिगत लड़ाई अगर कोई बनाएगा, यही अखिलेश यादव जी हैं, 22 के चुनाव के पहले कहा करते थे कि तो चिलम का धुआं उठता है। कैसे समझे सर अंतर? देखिए अंतर, अब चाहे इसको कोई बुरा माने, आप भी हो सकता है इसको बुरा कहेंगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जो तू को काटा बुए ताय बुए तू भाला, तब उस दुष्ट को पता चलेगा किससे पड़ा है पाला। ये आज की संस्कृति हो गई है, ये राजनीति हो गई है जी। अंसारी साहब, ठीक है सर, लौट रही हूं। अंसारी साहब जी, टिट फॉर टैट इंग्लिश में कहते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, सुनने को भी और करने को भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि देश में बयानों का दौर अलग अलग है और बयान इस कदर तक, इस स्तर तक जा रहे हैं कि कई बार तो पढ़ने में ही अटपटा लगता है कि अरे ये नेता ऐसा भी बोलते हैं, तो राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है? और राजनीति ऐसा नहीं है कि कोई दल इससे अछूता है, सब इसमें मिलाइए तो बयानों की लिस्ट बन जाएगी सबकी अलग अलग, ऐसा क्यों हो रहा है? अंसारी जी क्या लगता है आपको? देखिए राजनीति हमारे देश की पिछले 10 सालों में आप देखिएगा स्तर धीरे 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 बहुत गिरा है, ये नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि सब संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो माननीय योगी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लीडर हो, अपोजिशन हो, सब संवैधानिक पद है और देश के बड़े कद्दावर नेता हैं। हम उनकी पॉलिसी का, उनकी रणनीति का लॉजिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करना या किसी भी धर्म पे विशेष टिप्पणी करना वो बिल्कुल गलत है। आपके हमेशा इस बात को लेकर मैं तारीफ करती हूँ कि आप सही बात का साथ देते हैं और अभी भी आप वही कह रहे हैं, भले दबी जबान में कह रहे हैं लेकिन वही नहीं, वो सब पार्टी में है, हमारी में भी हो सकता है। अश्वनी भाई ने बोला कि बयान लेटर लिखा, बिल्कुल हो सकता है, हर जगह है, लेकिन अभी आप देखिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है ये क्योंकि भाजपा जो है, जो भ्रम जाल इसने फैलाया था पूरे देश में झूठ का, नफरत का, अब वो इतनी भयभीत हो गई है, अगर उसके सामने कोई सच भी रखता है तो उसे लगता है कि हमारी कुर्सी, हमारी सत्ता चली जाएगी। आप पिछले 5 दिनों का योगी जी का बयान छोड़ दीजिए, अखिलेश जी का छोड़ दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यूनियन मंत्री हो, एमएलए हो भाजपा के, उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए कि इनकी जीप काट लूंगा, वो बहस फिर दिल्ली चली जाएगी, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में माफिया मठाधीश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सही लगता है आपको? कोई भी चीज है, देखिए मैं पहले से कह रहा हूं कि कोई भी अगर आपको कुछ बोलना है तो भाषा का संयम रखना चाहिए और वो दोनों तरफ से रखना चाहिए, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन टीवी पे, कैमरे पे, बीजेपी के लीडर, और कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यही योगी जी के खिलाफ अगर कुछ बोल देगा तो मेरी डिबेट इसके इर्द गिर्द नहीं है, तो शाही जी इस पर मैं आपका जवाब नहीं लूंगी। नीरज साहब के पास जा रही हूँ। नीरज साहब, एसटीएफ का भी जिक्र किया अखिलेश जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 PDA वाले हैं, बाकी 21 जो हैं वो अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें सीबीआई में भी दिख रहे हैं लोग, उन्हें अब एसटीएफ में भी जातियां दिख रही हैं, और तमाम जगहों पर वो पीडीए तो कर रहे हैं और बाकी जातियों से, मुझे लगता है कि पीडीए पीडीए करते करते बाकी जातियों से अलग होते जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आज़ाद पार्टी और विपक्षी पार्टियाँ भी, माफ कीजिए, मायावती जी भी ले रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी आके फ्रंट में दिखाई दे रही हैं। क्या ये वार जो जातियों वाला
विधानसभा उपचुनाव में भी उपयोग करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। एसटीएफ में जातियों के कितने अधिकारी हैं ये कहकर क्या उन पर भारी पड़ सकता है? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि देखिए पारुल जी, एक चीज स्पष्ट है, अभी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हुई और देश की जनता को या प्रदेश की जनता को अब आप झूठ बोलकर मूर्ख नहीं बना सकते और ना मूर्ख बना के उससे वोट को ठगा जा सकता है। इस प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा योग्य है, बहुत समझदार है। अगर समझदार नहीं होती तो 65 से आप 33 पे नहीं आ जाते। हालात बिल्कुल साफ है, जनता बिल्कुल जानती है कौन सच बोला है कौन गलत बोला है और वो इन मुद्दों पे कतई भटकने वाली नहीं। लेकिन अगर आप जनता को भटकाने की कोशिश करेंगे, जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे, तो वो चाल अब नहीं चलने वाली। वो दौर चला गया, वो दौर था कि आप गुमराह कर देते थे, जातियों पर चुनाव हो जाता था और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ गई कि हिंदू मुसलमान पे हमें लोकसभा में कुछ नहीं मिला तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेन चीज ये है, मुख्य बात यह है कि आप जनता के हितों की बात न तो समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस चूंकि लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है अभी तो यही कन्फर्म नहीं है, क्या सीट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, एक मिलेगी दो मिलेगी तो कांग्रेस की तो बात करना ही बेकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जनता के मूलभूत मुद्दों से भटक रही है और चाहती भी यही है कि हम दूर रहे इन मुद्दों से, क्योंकि कोई नया मुद्दा मिलेगा तभी ये लड़ पाएंगे। और परोसकर तो खाली समाजवादी पार्टी दे भी रही है तमाम मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों से भागने की कोशिश अगर सत्ता पक्ष कर रहा है तो विपक्ष भी तो वही कोशिशें कर रहा है। अशोक जी, मठाधीश, माफिया और उसके बाद ये कह देना मैंने ऐसा नहीं कहा था जबकि पब्लिक डोमेन में वो सारे बयानात हैं, फिर उसके बाद एसआईटी में कितनी जातियों के कौन से लोग हैं इसका जिक्र कर देना, कई सारे बयान हैं। आप खुद ही पहले खुद गलत बोलते हैं, फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार के माफी मांगते हैं और उसके बाद फिर आप खुद ही मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम कहीं माफी नहीं मांगते हैं, पहली चीज ये आप इसको नोट कर लें कि कहीं से माफी नहीं मांगते हैं, ना माफी मांगने जैसा बयान देते। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि समाज में क्या है, हम सामाजिक न्याय के लिए हमारा जन्म हुआ है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का गठन किया था नेताजी ने, आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, आज पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक व्यक्तिगत होकर उधर व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत होकर क्या कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं है। किस तरह से भाजपा में योगी जी के बयान आते हैं, किसी छिपा नहीं है, पूरे देश से छिपा नहीं है, पूरे प्रदेश से छिपा नहीं है। पहले क्या बयान देते थे वो मुख्यमंत्री होने के पहले, मुख्यमंत्री होने के बाद क्या बयान दे रहे हैं? कटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे रहे हैं, हिंसात्मक बयान दे रहे हैं, हिंसा फैलाने का बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका जिनको बोलना भी उचित नहीं होता है टीवी पर। सच्चाई ये है कि जो है जिस तरह के बयान दे रहे हैं उनको उनका जवाब दिया जा रहा है। और सच्चाई ये भी है, मठाधीश माफिया होता है ये कोई फर्क नहीं होता, ये अखिलेश जी ने कहा संतों की नाराजगी आई, गलत कहा ना उन्होंने, उनका नहीं, संतों को नहीं कहा, संतों को नहीं कहा, कुछ खास खास तरीके से कहा, खास अंदाज से कहा और अंदाज फिट बैठता है आज के तरीके से। फिर उसके बाद सफाई क्यों देने आ गए वो, फिर सफाई क्यों देनी पड़ी जो अलग अंदाज था उनका, तो सफाई अगर वो सही थे अपनी जगह तो सफाई क्यों देते आए फिर? आज भी आप पत्रकार हैं, हम कह दें कि आप पत्रकारों के मठाधीश हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सच्चाई यही है कि आज पीडीए की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और एसटीएफ में अगर मैंने एक ही कहा कि पीडीए की लड़ाई लड़ते लड़ते बेरोजगारी जनता के मुद्दे करते करते कहां मठाधीश और माफिया और फिर आप कौन सी जाति के कितने लोग हैं, अरे मूल मुद्दे रहेंगे। आज आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज पिछड़ों को उनका हक दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिर आप भटक क्यों रहे हैं? अखिलेश जी भटक क्यों रहे हैं? भटक कहीं से नहीं रहे, वो तो एक तरह से वो भी बोल रहे हैं वो चीज जो सच्चाई है, सच्चाई का बयान कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आज सच्चाई है, एसटीएफ का कलर देख लीजिए, एसटीएफ में एक ही तरह के लोग क्यों मिलते हैं, क्यों पाए जाते हैं? ऐसा पिछड़ों को दलितों को दबाने के लिए, उनका हक छीनने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सच्चाई है, सच्चाई है, इसको सच्चाई तो ये भी है ना कि योगी आदित्यनाथ मठाधीश है गोरखनाथ पीठ के, बिल्कुल सच्चाई ये भी है। मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता, तो देश के जितने भी मठाधीश हैं उनको तंज कर रहे हैं वो योगी नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। सच्चाई यही है, मैं बोल रहा हूँ ढंग के झूठ बोल रहा हूँ, मठाधीश मुख्यमंत्री है, मठाधीश का अर्थ ही कुछ और होता है। ये बयान देने की आवश्यकता क्यों हुई? और जो मुद्दे खत्म हो गए थे, या आपको लगता है उन मुद्दों से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे? परम पूज्य, हमारे परम पूज्य जो भी महंत हैं उनका हम आदर सत्कार करते हैं, लेकिन एक खास तरीके से मठाधीश कोई है अगर तो उसको मठाधीश कहेंगे हम जी।
आजाद अंसारी साहब, जावेद अंसारी साहब माफ कीजिए, अभी जो अशोक तिवारी जी कह रहे हैं उनका तर्क है कि ऐसा कुछ कहा नहीं और सब सफाई आ गई है, कम से कम इतनी हिम्मत रखिए कि आपके नेता अगर कुछ कहते हैं तो उसको स्वीकार करें, उसके बाद आप सफाई देते हैं तो उसको झुठलाएं ना, कि सफाई भी उनकी आई है, वो भी मैंने सुनवा दिया अपने दर्शकों को, आप कहेंगे दोबारा सुनवा दूंगी। और माफिया में कोई खास फर्क नहीं है, मैं डंके चोट पकड़ रहा हूं। ये उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने कहा था, ठीक है, नहीं ये भी मैं कह रहा हूँ, मुद्दे खत्म हो गए हैं या फिर इंडिया गठबंधन में मुद्दों को तय नहीं किया जा रहा है, ठीक है अशोक जी, हो गया, रिपीट मत कीजिए अपनी बातों को। जावेद अंसारी साहब, ये जो बयान सामने आ रहे हैं और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि आप गठबंधन में ही लड़ रहे हैं सारे चुनाव, भले ही आपको सीट नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन ये माना जा रहा है कि गठबंधन में हैं, और ये कहा जा रहा है कि क्या अब मुद्दों को लेकर कोई तैयारी नहीं हो रही है, किन मुद्दों को लेकर आपको फाइट करनी है, पॉलिटिक्स में किन मुद्दों को लेकर जाना है, इस तरह के मुद्दे जिनसे आप लोग खुद बचते आए हैं अब तक? नहीं, मुद्दे पूरे मार्केट में है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, तभी इनकी 33 सीट आई है, बुरी तरह हारे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं रास्ता दिखाया कि संविधान कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, तो लोग जान चुके हैं। और सबसे पहला मुद्दा तो जो हाईकोर्ट में चीटिंग कर सकता है, हाईकोर्ट इनको फटकार लगा सकता है, और पिछड़ों का आरक्षण छीनने का जो इन्होंने काम किया वो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, नौकरी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़ा मुद्दा, और जिसका भाजपा के लोग दावा भरते हैं उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा, हत्याओं में नंबर वन है, 3500 मर्डर हुए 2022 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, महिला उत्पीड़न में नंबर वन है, महिलाओं की किडनैपिंग में नंबर वन है, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते? ये मुद्दे उठाने के साथ साथ बीच में क्यों एक स्पेशल, कहते हैं ना कि स्पेशल अपीयरेंस दे दी आपने मठाधीश या फिर अखिलेश जी ने, आपको लगता है कि तमाम मुद्दे जो हैं उनके साथ साथ इन मुद्दों को अगर मिलाइए तो धर्म की राजनीति और जिस तरीके को लेकर, क्योंकि अभी नीरज जी ने भी कहा कि जनता समझदार हो गई और धर्म जाति में अब नहीं पड़ रही है, इसीलिए ज्यादा सीटें आ पाई आपके गठबंधन को, वरना इस मामले में बीजेपी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, और इन्हीं मुद्दों पर फिर आप जा रहे हैं, और फिर SIT की जाति, फिर फला में जाति, PDA, इन मुद्दों को आपको लगता है कि जनता पसंद कर रही है? अब देखिए, जनता पसंद कर चुकी है और जनता नकार चुकी है भाजपा को, लेकिन अभी कार्यकाल पूरा होना है। आपका जाति वाला फॉर्मूला जनता को अच्छा लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा न्याय, सामाजिक न्याय का फॉर्मूला जनता को अच्छा लग रहा है, सबकी हक की बात होनी चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, डराई रही है। सामाजिक न्याय में वो जातियां नहीं आती जो STF में दो छोड़ के PDA के, बाकी जो अधिकारी 21 जाति अलग अलग, वो आपके सामाजिक न्याय में नहीं आती? हमारे सामाजिक न्याय में हर भारत का नागरिक, तो फिर उनसे बैर क्यों? उनसे बैर कोई बैर नहीं है, अगर वो है तो उनसे ऐतराज क्यों होगा? भेदभाव होगा तो आवाज उठाएंगे, किसी के साथ भेदभाव होगा तो आवाज उठाएंगे, लेकिन ये सवाल तो STF में अगर 21 अलग अलग जाति के लोग हैं जिनमें दो PDA के भी शामिल हैं, जातियों की अगर हम गिनती करने बैठेंगे और पर हमें यहाँ इसी डिबेट में न जाने कितने घंटे लग जाएंगे, तो आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जातियां बहुत सारी हैं और हर जाति अलग अलग है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो PDA की आप बात कर रहे हैं, दो PDA के लोग हैं और बाकी किसी जाति से आपका ताल्लुक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं तो स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, हमारा 22 करोड़ लोगों से सरोकार है, 22 करोड़ के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जो असेंबली के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक यादव का नाम लिया था, एक मुसलमान का जो महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था सड़क पे, और वो FIR में नाम ही नहीं था, ना वो वहां के FIR में नाम था लेकिन मौके पे मौजूद नहीं था, जबकि 16 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो भेदभाव करना, ये हमारे एनकाउंटर में भी उन्होंने कहा कि यादवों का एनकाउंटर है मंगेश यादव के बाद, उसके बाद जो ये दौर चला है जाति जाति जाति, और फिर एकदम से एंट्री हो जाती है मठाधीश माफिया। आइए अश्विनी जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट आपका जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, इन लोगों का मैंने सुना सबका कुल मिलाकर, ये आपने जो कहा ना कि PDA का मतलब अल्पसंख्यक ही है, ये आधी आबादी अगड़ा सब छोड़ दिया है इन लोगों ने। अगर कहीं पर 2015 में, मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, 2015 में सिपाही की भर्ती निकलती है सिर्फ मार्क्सिट और शारीरिक सौष्ठव के रूप में, बाद में वो हाईकोर्ट से चलिए निरस्त हो जाती है, लेकिन क्यों निकाली गई थी? वहां शिवपाल सिंह जी की पर्ची आती थी, कहीं चाचा की, कहीं भतीजा की, कहीं बुआ की, कहीं बबुआ की, सबकी आती थी पर्ची, वहां हाईकोर्ट ने लगाया आरोप। अनिल यादव को जब बनाया गया था, कितने वहां से अधिकारी निकले, वहां से कितने यादवों की भर्ती हुई, कहीं किसी ने ऐसा नहीं कहा? जो जहां पर है अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है तो
तो उसमें आजकल सिर्फ और सिर्फ जातियों में खेल में बदलाव आपने बनाने भी कर दिया है। मैं वापस अपने टॉपिक पर आ रही हूँ। खेल में बदलाव आपने भी कर दिया है, व्यक्तिगत आरोप टीका टिप्पणी ये सब आपकी पार्टी में भी शुरू हो गया है, जिसके लिए करना ही पड़ेगा। पारुल जी, मैंने कहा, मैं तो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि करना पड़ेगा। ठीक है, ये बदलाव आपका जनता को पसंद आता या नहीं, क्योंकि उपचुनाव है और उससे पहले हर चीज पर जनता भी देख ही रही है, नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि अब हर हाथ में मोबाइल है, तो जनता भी समझ रही है कि कौन से मुद्दे उसके अपने हैं और किन मुद्दों पर वो नहीं आपके साथ आना चाहती। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मठाधीश माफिया औरंगजेब, इस तरह के बयानों का जिक्र होने लगा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमूमन ये कहा जाता था कि जो पॉलिटिक्स है उसमें खासतौर पर विपक्ष रोजगार, बेरोजगारी और तमाम क्राइम जैसे मुद्दे, महिला से जुड़ा हुआ अपराध, इन मुद्दों को लेकर पॉलिटिक्स करना चाहता है और हमने देखा भी। लेकिन जिस तरीके से अब ये दौर हम देख रहे हैं, यहाँ पे कई और चीज़ों का जिक्र होने लगा है, माफिया के जिक्र होने लगे हैं और उसके अलावा आपने देखा कि मठाधीश का जिक्र होने लगा है, योगी आदित्यनाथ की तुलना माफिया से की जाने लगी, जिसके बाद संत महात्माओं में नाराजगी दिखाई दी, खुद अखिलेश यादव आए और उन्होंने सफाई दी। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जातियों की गिनती करना शुरू कर दी है कि किसके एनकाउंटर, किस जाति के एनकाउंटर कितने हुए, उस पर भी बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी। अब SIT में भी जातियों का जिक्र कर रही है कि SIT STF में जो अधिकारी हैं वो PDA के इतने कम अधिकारी हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को करके क्या अखिलेश यादव उपचुनाव में वोट बैंक ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे, सवाल भी। और इस तरह की पॉलिटिक्स से क्या मैसेज देना चाहती है समाजवादी पार्टी कि उन मुद्दों में क्या दम नहीं है जो अब तक उठाते थे, या उन मुद्दों से वो खुद पीछे हट गए हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।